मानसून सीजन है तो यहाँ रेन इमरजेंसी होती है, उसके लिए ये स्क्वाड तैयार किया जो 24 आवर यहाँ मौजूद रहता है हेडक्वार्टर में। हर बंदा इंडिविजुअली स्विमर भी है तो देखेंगे, अगर वहाँ पे बोट की जरूरत है तो बोट लेके जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भी है। इसमें डॉक्टर मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है और एक हमारा कमांडो जवान होता है और डिस्पेंसर भी साथ होता है। इस वक्त मैं किसी झील, समंदर या किसी दरिया की कश्ती में नहीं बैठा जनाब, यह है सिंध पुलिस की जानिब से मुतारिफ कराई हुई आवाम के लिए एक और खिदमत। जी हाँ, कराची में हम देखते हैं गुज़िश्ता साल अर्बन फ्लडिंग हुई, इस साल चाइना में अर्बन फ्लडिंग हुई, पूरे साउथ एशिया में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सिंध पुलिस का इदारा SSU की जानिब से ये कश्ती मुतारिफ कराई गई है। ऐसी दो कश्तियाँ और खड़ी हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस भी यहाँ पे पूरे अमले के साथ मौजूद होती है कि जैसे लोगों के घरों में पानी भर जाता है। ग्राउंड फ्लोर के घरों की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के घरों में पानी भरता है, ना सिर्फ घरों में पानी भरता है बल्कि लोग करंट लगने से और दीगर वजूहात की वजह से उस पानी की वजह से ज़ख्मी होते हैं, इंजर्ड होते हैं। तो एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद है, इस कश्ती का अमला भी यहाँ पे मौजूद होता है कि आपके घर में अगर पानी भर गया, आपके घर में अगर कोई ज़ख्मी हो गया, अगर किसी को करंट लग गया तो ये एम्बुलेंस का अमला भी मौजूद है, इस कश्ती का अमला भी मौजूद है, आपके पास आएंगे, आपको रेस्क्यू करेंगे इस कश्ती समेत और एम्बुलेंस समेत। मैं जानता हूँ यहाँ पे लोगों से, इधर के ऑफिसर से और इधर के जवानों से कि किस तरह से वो रेस्क्यू करेंगे, क्या उनका इरादा है और फ्यूचर में किस तरीके से ये जो इदारा है, ये जो मुतारिफ कराई गई है अवाम की मदद के लिए, किस तरह काम करेगा। सर मुझे ये बताइए कि जो रेन एमरजेंसी स्क्वाड SSU ने बनाया है, क्या मकसद है इस स्क्वाड का? ये देखिए, मानसून सीज़न है तो यहाँ रेन इमरजेंसी होती है, उसके लिए ये स्क्वाड तैयार किया जो 24 आवर यहाँ मौजूद रहता है हेडक्वार्टर में और किसी भी सूरत में इमरजेंसी की ये उनकी मदद के लिए, फ्लैट वालों की रेन इमरजेंसी उनकी मदद करेंगे। पिछले साल हम देखते हैं कराची में बहुत तूफानी बारिश हुई, अर्बन फ्लडिंग हो गई थी, उसके लिए बनाए खास तौर पे कि जाके लोगों को घरों से रेस्क्यू करना, गाड़ियाँ निकालना उनकी? जी बिल्कुल, वो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो अभी DI साहब ने यही बात को मद्देनजर रखते हुए ये रेन इमरजेंसी स्क्वाड तैयार किया है जो इंशाल्लाह इस दफ़ा पब्लिक के लिए बहुत कारामद होगा। पूरे कराची में? जी ऑल ओवर कराची। ठीक है, मैं एक दो जवानों से भी यहाँ पर बात करूँगा और उनसे जानूँगा कि कैसा उनका जज्बा है, क्योंकि कराची में बारिशों का मौसम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जज्बा है भाई, कराची में बारिश होने वाली है, रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं लोगों को? जी बिल्कुल, हम यहाँ 24 घंटे अलर्ट बैठे होते हैं और जो भी ना खुशगवार वाकया पेश आएगा तो हम सब रेडी हैं इसके लिए और हम सब जाएंगे और जहाँ जहाँ हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ हम हेल्प करेंगे। तो कश्तियों में जाके रेस्क्यू करेंगे? वो तो सिचुएशन देखेंगे ना, जिस सिचुएशन के हिसाब से जो वाकया पेश आएगा उस तरह ही हैंडल करेंगे उनको। ठीक है ठीक है, यहाँ पे और भी जवान मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइए, तैयार हैं कराची में मौसमियात के मुताबिक बारिश होने वाली हैं, आप तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तैयार बैठे हैं, 24 घंटे हम यहाँ पे हाजिर हैं। अर्बन फ्लडिंग हमने पिछले साल देखी कराची में, इतनी अर्बन फ्लडिंग हो गई कि अभी हम चाइना में देख रहे हैं, पूरे साउथ एशिया में खतरा है अर्बन फ्लडिंग का, तो लोगों को घर से रेस्क्यू करना, फिर उनके जो पहले जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं वो पूरे पूरे डूब जाते हैं, तो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, आप लोग कैसे उस इलाके में जाते हैं, बोट लेके जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं, कैसा प्रोसेस? डेफिनेटली जैसे आपने देखा होगा पिछले साल जो कराची में हालात हुए तो उसी हालात के पेश नज़र ये टीम तश्कील दी गई है। तो खुदा ना खास्ता अभी अगर आइंदा खुदा ना खास्ता ऐसी अगर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ पर देखा जाएगा कि डिपेंड करता है पानी के उस पर, डेप्थ पर पानी कितना है, तो उसके अलावा हर बंदा इंडिविजुअली स्विमर भी है तो देखेंगे, अगर वहाँ पे बोट की ज़रूरत है तो बोट लेके जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भी है तो उनको यूज़ करके हम लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। मैं माइकल जो साहब हैं इनसे एक बार ये पूछूंगा कि सर कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की और कितने इलाकों में कराची में काम करेगी एट अ टाइम? ये सर ऑल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कराची के हैं उनमें मतलब ऑल ओवर कराची करेंगे और ये 24 हमारे पुलिस के जवान हैं जो ये कोर्स करके हैं पाकिस्तान नेवी के सुपरविजन में और उनकी मदद के लिए। तो ये 24 घंटे काम करेंगे, हम देखते हैं कराची में लोग बिजली से जो जी बिजली का प्रॉब्लम है या ड्रग गिर जाते हैं या साइन बोर्ड वगैरह गिर जाते हैं रोड पर, उनको पहले रेस्क्यू करेंगे, फिर उसके बाद पब्लिक मतलब फैमिली के लिए जाएंगे। बिल्कुल ये कमांडोज हैं और बिल्कुल 24 आवर हाजिर हैं कौम की खिदमत के लिए। ना सिर्फ ये कश्तियाँ और जीप बल्कि
इस तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है जिसमें एक प्रॉपर डॉक्टर बैठे हैं, प्रॉपर ड्राइवर बैठे हैं और मेरे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे मैं जानूंगा। सर ये बताइए कि जब हम जाते हैं, आप लोग जाते हैं किसी की मदद करने, जैसे पानी भर गया हो कहीं, तो किस कौन कौन सा हमला यहाँ पे बैठा होता है इसमें? जी इसमें डॉक्टर मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है और एक हमारा कमांडो जवान होता है और डिस्पेंसर भी साथ होता है। अच्छा, हम देखते हैं गुज़िश्ता साल हमने देखा कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई, बहुत सारे लोग करंट लगने से ही मर गए, तो उस हिसाब का भी फर्स्ट एड है मौजूद? जी बिल्कुल, उस सूरत में भी मदद के लिए और फौरी तौर पर उनको सेफ होम पहुँचाने या करीबी हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं, जैसे आप शारे फैसल पे मौजूद हैं, एक जगह तीन कश्तियाँ तीन हैं लेकिन एम्बुलेंस अभी फिलहाल हमें एक दिख रही है, तो इसको भी आगे बढ़ाने का इरादा है? जी एम्बुलेंस तो हमारे साथ तीन और भी हैं लेकिन फिलहाल अभी आपके साथ इसलिए मौजूद है अभी क्योंकि वो अपने पॉइंट पर होती है, तो वो अलग अलग तीन जोन आपको बताए उनमें से बिल्कुल काम करती हैं। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करूँगा, बिल्कुल वही सवाल है वापस, के आवाम बड़ी खुश हो रहे हैं, आवाम को एक भरोसा आ गया पुलिस पे वापस कि यार हमारी मदद के लिए भी अब पुलिस हर वक्त मौजूद है। हमने देखा कि आप पुलिस टायर भी चेंज कर रही है आवाम के, पुलिस वैसे भी मदद कर रही है, अब रेस्क्यू पे भी पुलिस आ गई है। जी बिल्कुल, ये जो हमारे डी आई साहब का मिशन है वो कामयाब हुआ, एक रिलेशन कायम हो रहा है, भरोसा बैठ रहा है, भरोसा, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल बेहतर है, जो भरोसा कायम हो रहा है आवाम का, हम दिल जीत रहे हैं उनका, इसमें हमारे यूनिट की और सिंध पुलिस की एक अलग से एक कारनामा है जो बिल्कुल पब्लिक के दिलों पे राज करेगा। बिल्कुल जी, पब्लिक के दिलों पे राज करेगा, अलग से काविशें हैं, थोड़ा सा आगे आए मैं और दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हैं, स्ट्रेचर बेड रखा हुआ है, दीगर मशीन भी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये क्या ऑक्सीजन मशीन रखी हुई है? ये ऑक्सीजन मशीन है। और क्या क्या है इसमें? और इसमें इमरजेंसी के सारे सामान मौजूद है इधर, फर्स्ट एड में जो इस्तेमाल होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, वो सारे मौजूद है इधर। फर्स्ट एड में जितने सामान होते हैं वो सारे सामान यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे ड्राइवर साहब भी बैठे हुए हैं, प्रॉपर गाड़ी तैयार होती है कि इनको खबर आती है 15 से ही खबर आती है इधर, और ये लोग चले जाते हैं जैसे ही 15 से खबर आती है कि कहीं अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, कहीं पानी भर गया, जहाँ पे किसी को करंट लग गया हो या दरख गिर गया हो, किसी बिल बोर्ड गिर गया हो, किसी भी उससे कोई भी इंजर्ड होता है तो फौरन सिंध पुलिस उसकी मदद के लिए पहुँच जाती है, क्योंकि पुलिस का है काम मदद आपकी। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।